आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एफसीआई के अंदर से एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आई है उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने एफसीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड नहीं किया था, और उन्होंने हमारे चैनल्स पे कमेंट भी पूछे थे कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी कारण से अटेंड नहीं किया है, क्या हमें दूसरा चांस एफसीआई का देगा। परिधि ने जो पहले वीडियोस बनाए हैं एफसीआई के, उसके अंदर एक बार बोला भी है कि पिछली बार भी एफसीआई ने ऐसा किया था कि जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स थे, यानी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था और वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो एफसीआई ने उनको सेकेंड चांस भी दिया था। और वेट लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए अच्छी न्यूज़ क्या है, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एफसीआई ने आज एक पीडीएफ डाला है अपने रिक्रूटमेंट साइट जो उनकी है उसके ऊपर। उसके अंदर उन्होंने पीडीएफ के अंदर ये लिखा है कि जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 6 जुलाई को वापस मौका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके अंदर कुछ 3 से 4 पॉइंट है जो आपको समझने वाले हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो कॉल लेटर है, तो जो आपका पुराना कॉल लेटर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का न्यूज आई थी एफसीआई की, तो वो कॉल लेटर आपका पूरे तरीके से वैलिड होगा, आपको वही कॉल लेटर लेके जाना है। अगर आप वो कॉल लेटर डाउनलोड नहीं कर पाए तो एफसीआई के रिक्रूटमेंट हेड से जाके आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि कॉल लेटर अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। मैं साइट नीचे लिख रहा हूँ और नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वो साइट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट नहीं निकाला है तो एफसीए ने उसका लिंक भी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है। तो ये कुल 3 से 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जो बच्चे एफसीए ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए वापस से ये मौका है अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम है। अब रहा सवाल वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का, तो काफी समय से बोला जा रहा है कि एफसीए बहुत टाइम लेता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराने में। तो ये हमने देखा था कि उसने फेज 2 का रिजल्ट निकालने में टाइम लिया था, लेकिन जब से फेज 2 का रिजल्ट आया है उसके बाद से इनका प्रोसेस देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी इनका प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी बच्चों की, और वेट लिस्ट भी जल्द आएगी। क्योंकि पुणे के अंदर हमारी एफसीए की एक फ्रेंड है, उसने ये बताया कि वहाँ पे ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि इस मंथ के एंड तक एफसीए ज्वाइनिंग करवा देगा। तो ये एक जोन की न्यूज़ है, अब अलग अलग जोन की अपनी अपनी न्यूज़ रहती है। ये केवल एक न्यूज़ है जो हमने आपके साथ शेयर करी है अभी। तो एफसीए से रिलेटेड अगर जो भी बच्चे वेट लिस्ट के अंदर हैं तो वो होप बनाए रखें कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वेट लिस्ट में बहुत नीचे अगर आपका नाम है तो फिर चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और वेट लिस्ट वालों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एफसीए के भरोसे ना बैठें और एग्जाम की भी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए अपनी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखें। अगर एफसीए से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।